नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिनभर में। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। इस खास कार्यक्रम में हम आपको करवाएंगे दिल्ली एनसीआर की बड़ी खबरों से रूबरू, लेकिन उससे पहले डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। पीएम मोदी ने सिख समुदाय के लोगों से अपने आवास पर की मुलाकात, सिखों के प्रतिनिधियों ने जताया आभार। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, दिल्ली एनसीआर में डीजल जनरेटर के प्रयोग पर प्रतिबंध को तत्काल प्रभाव से हटाने का दिया आदेश। दिल्ली के आदर्श नगर में महिला डॉक्टर को बंधक बनाकर लूटपाट, 12 घंटे के अंदर साजिश का पर्दाफाश। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने शराब की फ्री स्कीम पर दिल्ली सरकार को घेरा, शराब माफियाओं को फायदा पहुंचाने का लगाया आरोप। तिहाड़ जेल में विचाराधीन कैदी की संदिग्ध हालत में मौत, गुस्साए परिवार वालों ने किया प्रदर्शन। पंजाब विधानसभा चुनाव की रस्साकशी के बीच पीएम मोदी ने अपने आवास पर सिख समुदाय के नेताओं से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान क्या बातचीत हुई, देखिए इस खास रिपोर्ट में। पंजाब चुनावों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर देश भर के प्रमुख सिखों से मुलाकात की। इस मौके पर पहुंचे सिख संगठनों के प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री मोदी को सुना और उन्हें शॉल और तलवार देकर सम्मानित किया। इस चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने करतारपुर कॉरिडोर से लेकर सिख दंगों और उनके गुनहगारों को सजा दिलाने तक के तमाम वाक्यों और कदमों से सिख संगठनों को अवगत कराया। पीएम आवास पर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद सिख समुदाय के लोग काफी खुश नजर आए। करतारपुर कॉरिडोर फिर से खुलवाने को लेकर मोदी सरकार की तारीफ के साथ ही सिख समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी को उदार और कुशल नेता बताया है। जो उन्होंने काम किए हैं सिख धर्म के लिए, जैसे करतारपुर कॉरिडोर, छोटे साहबजादे बड़े साहबजादों के बाल दिवस, और इसके अलावा लखपत साहब गुरुद्वारा साहब का और गुरु के लंगर की GST का, मैं तो ये कहता हूँ कि जो नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही है जो हमारे दिल में लगी है कि मेरे खून में सिखी है, मेरे खून में सेवा है, मैं जब भी जो भी करता हूँ हृदय से करता हूँ, श्रद्धा से करता हूँ। इस चीज़ की शायद किसी प्राइम मिनिस्टर को इंडिया में इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं रही जितनी पीएम मोदी साहब को है, और 84 के बारे में जो उन्होंने सिट क्रिएट करी है और उस करके कुछ बहुत सारी अहम मुद्दे हुए हैं, और 84 को लेके कानपुर में भी जो डेड केसेस थे वो रीएक्टिवेट हुए हैं, तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत अहम स्टेप है जो एक करेक्ट डायरेक्शन में। पीएम मोदी से मुलाकात करने वालों में दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका, सुल्तानपुर लोधी के पद्मश्री से सम्मानित बाबा बलवीर सिंह, सेवापंथी संगठन के अध्यक्ष यमुनानगर के महंत कमरजीत सिंह, करनाल के नानकसर के डेरा बाबा जग सिंह के बाबा जोगा सिंह, अमृतसर के मुखी डेरा बाबा तेरा सिंह के संत बाबा मेजर सिंह, आनंदपुर साहिब में कार सेवा से जुड़े जत्थेदार बाबा साहिब सिंह, भैनी साहिब के सुरेंद्र सिंह नामधारी दरबार, पंजवा सख्त शिरोमणि अकाली बुद्ध दल के बाबा जस्सा सिंह, चौक मेहता में दक्षाल के डॉक्टर हरभजन सिंह, जत्थेदार तख्त श्री पटना साहिब के सिंह साहिब ज्ञानी रंजीत सिंह शामिल हैं। पंजाब में 20 फरवरी को चुनाव होना है और आज प्रचार का आखिरी दिन है। चुनाव से ठीक दो दिन पहले पीएम मोदी और सिख समाज के प्रमुखों के बीच हुई इस मुलाकात को पंजाब चुनाव से सीधे तौर पर जोड़कर देखा जा रहा है। इस मुलाकात से सिख समाज में बीजेपी और पीएम मोदी को लेकर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। दिल्ली से तरुण शर्मा के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। दिल्ली एनसीआर में डीजल जनरेटर के उपयोग को फिर से केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है और कहा गया है कि दिल्ली एनसीआर की हवा पिछले दिनों की तुलना में सुधर रही है। क्या है पूरी खबर, चलिए दिखाते हैं आपको।
देश की राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता पर केंद्र की एक उप समिति ने दिल्ली एनसीआर में डीजल जनरेटर सेट के इस्तेमाल पर अक्टूबर 2021 में लगाई गई रोक को हटाते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों में हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, आने वाले दिनों में इसके बेहतर होने की उम्मीद है। खबरों की माने तो वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की जीआरएपी पर उप समिति की बुधवार को बैठक हुई, जिसमें वायु गुणवत्ता की स्थिति की समीक्षा की गई, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। जीआरएपी बहुत खराब श्रेणी के तहत उपायों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाए, जिनमें दिल्ली एनसीआर में डीजल जनरेटर सेट के इस्तेमाल पर प्रतिबंध भी शामिल है। आदेश में कहा गया कि ये पाया गया कि पिछले चार दिनों में एक्यूआई मध्यम और खराब श्रेणी में था। स्थिति की समीक्षा करने के लिए 16 फरवरी को एक बैठक बुलाई गई थी। बैठक के दौरान भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी तक पहुंचने की संभावना नहीं है। बेहतर मौसमी दशाओं के चलते आने वाले दिनों में इसके बेहतर होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि मौसम में बदलाव के चलते दिल्ली में वायु प्रदूषण में मामूली कमी आई है। सफर के मुताबिक दिल्ली की वायु गुणवत्ता सूचकांक शुक्रवार को 232 दर्ज किया गया। इसी बीच हवाओं की स्पीड बढ़ने से प्रदूषण में और सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। दिल्ली के आदर्श नगर में एक क्लिनिक में महिला डॉक्टर को बदमाशों ने बंधक बना लिया। हालांकि महिला कर्मचारी ने सूझबूझ का परिचय देते हुए खुद को बचा लिया। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 12 घंटे के भीतर ही साजिशकर्ता समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के आदर्श नगर स्थित क्लिनिक में देर रात लूटपाट करने पहुंचे बदमाशों ने बाल रोग विशेषज्ञ महिला डॉक्टर को बंधक बना लिया। हालांकि इन मौके पर महिला कर्मचारी ने समझदारी दिखाई और चुपके से बाहर जाकर शोर मचा दिया। पकड़े जाने के डर से बदमाश सिर्फ आईफोन लूटकर ही फरार हो गए। मामले में उत्तर पश्चिम जिला पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 घंटे के भीतर साजिशकर्ता समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस साजिश को अंजाम डॉक्टर के पास बेटे का इलाज करा रहे शख्स ने दिया था। एक लेडी डॉक्टर के साथ कल रात को हुई सेंसेशनल रॉबरी की घटना को घटना के 12 घंटे में ही सॉल्व किया और चार रॉबर्स, जिसमें से मेन तीन रॉबर्स और एक कॉन्स्पिरेटर को अरेस्ट किया। जो कॉन्स्पिरेटर वेद प्रकाश था वो डॉक्टर का पेशेंट था और 10 साल से उनके पास अपनी बेटी के ट्रीटमेंट के लिए जा रहा था और उसी ने ही ये प्लानिंग करी लूटने की। और साथ में तीन रॉबर्स को अरेस्ट करा गया है, जो राहुल, रवि और खेमपा एलियास अंश। कल रात को 8:30 बजे एक PCR कॉल मिली थी कि एक लेडी डॉक्टर के साथ रॉबरी की घटना हुई है। मौके पे पहुंच के जब वेरीफाई करा गया तो पता पड़ा कि लेडी डॉक्टर अपने क्लिनिक में बैठी थी और उनकी जो अटेंडेंट थी, फीमेल अटेंडेंट, अपनी ड्यूटी ख़त्म करके वापस जा रही थी। जब वो बाहर निकली, थोड़ा आगे गई, तो उन्होंने देखा कि तीन लड़के पीछे वाले दरवाजे से, क्लिनिक के पीछे के जो रास्ता है उससे एंटर करे और उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया है। उसको ऐसा लगा कि कुछ गलत हो रहा है और इसी को देखते हुए वो फ्रंट डोर से एंटर करी और घर में जाके लोगों को अलार्म किया। इन द मीनवाइल ये जो रॉबर्स थे, ये पूरी तैयारी के साथ गए थे। इन्होंने डॉक्टर का जो माउथ था उसको डॉक्टर टेप से कवर कर दिया, उनको बांधने की भी तैयारी करी और रॉबरी की कोशिश कर रहे थे। वो पूरी तैयारी के साथ गए थे, रस्सी लेके गए थे, कटर लेके गए थे। उन लेडी डॉक्टर को उन्होंने वेपन दिखाया जिसमें सोफिस्टिकेटेड पिस्टल थी उनके पास में और बहुत बड़ा वाला चाकू भी था। वो बहुत घबरा गई, लेकिन जो उनकी नर्स थी, जो फीमेल अटेंडेंट थी, उसकी अलर्टनेस की वजह से लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। उनके परिवार वाले पहुंच गए और नेबर्स भी गैदर हो गए। इतने में वो इमीडिएटली जब शोर सुने तो वो पीछे वाले रास्ते से भाग गए। मुख्य आरोपी वेद प्रकाश ने बताया कि वो 10 साल से अपने बच्चों का इलाज डॉक्टर शिल्पी बंसल से करा रहा है। हाल के दिनों में वो कर्ज में डूब गया, इसे निजात पाने के लिए डॉक्टर को बंधक बनाकर लूटने की साजिश रची थी। वो 15 दिन से लूट की योजना बना रहा था। उसे मालूम था कि रात 8:30 बजे तक महिला कर्मचारी चली जाती है, जिसके बाद डॉक्टर कुछ देर तक अकेली ही क्लिनिक में रहती हैं। डॉक्टर को बंधक बनाकर क्लिनिक और घर में लूटपाट की योजना थी, लेकिन बाहर शोर होने पर वे केवल आईफोन ही लूट पाए थे। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए शहजादा हाशमी की रिपोर्ट। दिल्ली में शराब की फ्री स्कीम पर दिल्ली सरकार पर बीजेपी ने निशाना साधा है, क्या कुछ कहा, चलिए दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में।
दिल्ली सरकार के द्वारा नई विनाशकारी शराब नीति आने के बाद दिल्ली के अंदर अब शराब के ठेकों में एक नई स्कीम लागू हो गई है। वहां एक शराब की पेटी के साथ एक शराब की पेटी मुफ्त दी जा रही है, शराब की बोतल के साथ एक शराब की बोतल मुफ्त दी जा रही है। और ये नजारे आज दिल्ली के हर ठेके पर दिखाई पड़ रहे हैं, लंबी लंबी कतारें लगी हैं। दिल्ली के मार्केट्स तबाह होने जा रहे हैं, दिल्ली के रिहायशी कॉलोनी के पास खुले हुए ठेकों में अराजकता का माहौल है और इसके लिए दिल्ली सरकार जिम्मेदार है। वो सिर्फ शराब माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए ड्राई डे की संख्या घटा दी है, 18 ड्राई डे कम करके 3 कर दिए हैं। शराब माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए केजरीवाल साहब इस कदर आमादा हैं कि वो दिल्ली के युवाओं और महिलाओं और बुजुर्गों और दिल्ली के गरीबों को बर्बाद करने पर तुले हैं। दिल्ली के अंदर जो आज शराब के ठेकों पर जो दृश्य दिखाई पड़ रहा है वो दिल्ली की बर्बादी की कहानी कह रहा है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री पंजाब में जाकर नशा मुक्ति की बात कर रहे हैं और दिल्ली को शराब नगरी बनाने पर आमादा है। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है और हम इसके खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन कर रहे हैं। तिहाड़ जेल में बंद एक विचाराधीन कैदी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। हालांकि जेल प्रशासन का कहना है कि कैदी की तबीयत खराब थी, लेकिन परिवार वालों का कुछ और ही आरोप है। क्या है पूरी खबर देखिए इस खास रिपोर्ट में। तिहाड़ जेल में बंद एक विचाराधीन कैदी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है। शव की पहचान जिशान के रूप में हुई है। जेल प्रशासन के मुताबिक जिशान को सीने में दर्द, सिर दर्द, शरीर पर खुजली की शिकायत थी। उसको उपचार के लिए दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल भेजा गया था, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे वापस जेल भेज दिया। हालांकि सोमवार को दोबारा सीने में दर्द की शिकायत पर उसे DDU अस्पताल भेजा गया था, जहां मंगलवार दोपहर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। 3 महीने पहले बंद हुआ था सर, और मतलब उसने सिगरेट वगैरह चुरा ली थी, तो मेरी मम्मी ने सरेंडर कर दिया था जब पुलिस आई थी कि मेरे लड़के की गलती है, आप इसको सजा दो। लेकिन जब मेरी मम्मी उससे मिलाई करने गई तो पूरा नॉर्मल था, ठीक ठाक था, बातचीत करी, सबके घर वालों के बारे में पूछा। लेकिन सर अब हमें 5 दिन हो गए मेरे भाई का एक्सपायर हुए हुए, उन्होंने कल हमको कॉल करी है, वो भी झूठ बोला कि आपका बच्चा बीमार है, हॉस्पिटल में आपसे मिलने के लिए कह रहा है, और 5 दिन पहले एक्सपायर हो चुका है वो। उन्होंने ऐसा कुछ हमें बताया नहीं और हमें पता भी नहीं था, कल ही पता चला है, वो भी वहाँ हॉस्पिटल में जाके यहाँ से ये कह के बुलाया कि आपका बच्चा बीमार है, मिलना चाह रहा है, वहाँ पे जाके पता चला एक्सपायर हो गया। सर बॉडी भी नहीं दिखा रहे थे हमको, पर आज दिखाई है बॉडी, और आज ही मतलब आज ही दिया बॉडी भी, 5 दिन हो गए। परेशान होते होते सर किसी ने बॉडी नहीं दी, कोई कार्रवाई नहीं हुई, पुलिस को कॉल करी प्रीत विहार थाने की, उन्होंने ये कहा कि वो जेल जाने या कोर्ट जाने, हम कुछ नहीं कर सकते। तो सर अब हमारे भाई की बॉडी दे तो दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई सर, अब हमें इंसाफ चाहिए। क्या हुआ था भाई, आपका तबीयत खराब थी भाई जी? नहीं, मेरे भाई की तबीयत खराब नहीं थी। बता दें कि जिशान चोरी के आरोप में जेल में बंद था। दिल्ली से नवद टाइम्स के लिए सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में सिर्फ इतना है। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नवोदय टाइम्स।